तो लालू प्रसाद यादव को इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अदालत से बाहर निकलते हुए लालू प्रसाद यादव, मीडिया के कैमरों की वहां पर मौजूदगी, भारी संख्या में मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है। माइक आगे कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के सामने कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कुछ कहें। देखना दिलचस्प होगा कि जेल जाने से पहले क्या लालू प्रसाद यादव कुछ कहते हैं। इससे पहले इसी अदालत परिसर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता, चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, सब मीडिया के सामने आ रहे हैं, सब सीधे निशाने पर मोदी सरकार को ले रहे हैं। कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश रची जा रही है, लालू की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, मोदी नीतीश के रहते लालू पर चार्जशीट हुई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ आरजेडी जो हमलावर और लालू प्रसाद यादव बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। सरेंडर करने के बाद लालू प्रसाद यादव जो कस्टडी में ले लिए गए, लालू यादव पहले पीछे बैठे थे, अब उन्हें आगे बिठा दिया गया है। लालू प्रसाद यादव गाड़ी में बैठ गए, उनके साथ में सुरक्षा कर्मी बराबर की सीट पर बैठ गया और ये गाड़ी आगे बढ़ते हुए जेल के लिए। तो सीबीआई कोर्ट परिसर से लालू प्रसाद यादव को अब सीधे रांची की जेल लेकर जाया जा रहा है, बिरसा मुंडा जेल ले जाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव को। चंद सेकंड पहले की ये तस्वीरें जब सीबीआई कोर्ट परिसर से रांची में लालू प्रसाद यादव बाहर निकल रहे थे, देखिए किस तरीके का मीडिया का वहां पर जमावड़ा था। इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव अपने चिरपरिचित अंदाज में क्या कुछ कहेंगे, लेकिन लालू ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोले लालू प्रसाद यादव। सरेंडर के बाद पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में लालू प्रसाद यादव कोर्ट से सीधे बिरसा मुंडा जेल के लिए लालू प्रसाद यादव सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में निकल गए हैं। और आपको बता दें कि अदालत की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें लालू पहले जेल जाएंगे, जेल में औपचारिकता पूरी करेंगे और इसके बाद लालू को जो रिम्स है, जो रांची का बड़ा अस्पताल है, वहां शिफ्ट किया जाएगा। पहले जेल फिर अस्पताल जाएंगे लालू प्रसाद यादव। हम सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार, जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, अब कुछ जानकारी मिल पा रही है कि जेल में कितनी देर की औपचारिकता और जेल का रास्ता है कितनी दूर का अदालत से? यहाँ से होटवार जेल करीब 15 से 20 मिनट उन्हें लग सकता है और क्योंकि हाई सिक्योरिटी के अंदर उन्हें ले जाया गया है तो जाहिर है कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और लेकिन ये औपचारिकता महज है कि वो जेल के अंदर भी जाएंगे और वहाँ पर सिग्नेचर होगा और क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन करना होता है तो उस जेल के अंदर से फिर एक कागज होगा, बनेगा, जो सीधे उन्हें रिम्स के लिए ले जाने के लिए उन्हें आदेश देगा और उसी के तहत, उसी आदेश के तहत में उन्हें रिम्स भेज दिया जाएगा। तो ये सिर्फ औपचारिकता है कि कैसे लालू यादव को अब जेल से रिम्स शिफ्ट करना है और उन्हें किस कमरे में रखना है और कैसे, क्योंकि उसके आदेश भी होते हैं, जो कोर्ट में नियम होते हैं वही नियम, चाहे वो लालू यादव बाहर ही क्यों ना हो, उसे भी पालन करना पड़ता है। जैसे कि कोर्ट में मुलाकातियों की संख्या, मुलाकातियों, मुलाकात करने वालों के दिन, वो तय होते हैं कि कितने लोग किस सप्ताह में मिल सकते हैं, ये सब कुछ नियम होता है, उस नियम का पालन करना होता है। और चाहे वो जेल के अंदर अस्पताल में हो, जेल में हो, या फिर जेल के बाहर अस्पताल में इलाज करा रहा हो, कोई भी कैदी हो, तो उन नियमों का पालन करना पड़ता है और वो काफ़ी सख्ती से पालन होता है। लेकिन उसमें भी जो लालू यादव हैं उन्हें इलाज कराने के लिए जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमेश, उन्हें रखा गया है और वो कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं जहां उनका ऑपरेशन हुआ है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसकी छूट दी गई है कोर्ट की तरफ से कि वो रिम्स में रहते हुए उनका इलाज कराया जाए और समय समय पर मेडिकल बोर्ड गठित की जाती है, जिस बोर्ड के जो भी आदेश आता है या जो भी इंस्पेक्शन करने के बाद जो कुछ सामने निकलता है मेडिकल बोर्ड का, उसे माना जाता है और उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल लालू यादव जेल चले गए हैं, पर यहां से निकल के रांची के सीबीआई विशेष अदालत से, और वहां से अब सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो वॉरेंट भेजे जाएंगे जी। लेकिन प्रकाश, जो चिरपरिचित अंदाज है लालू प्रसाद यादव का, आज वो नजर नहीं आया क्योंकि इंतजार इस बात की जा रही थी जिस वक्त लालू प्रसाद यादव को अदालत से जेल के लिए लेकर जाया जा रहा था, मीडिया का वहां पर जमावड़ा, माइक लगाए गए उनके सामने, लेकिन कुछ भी बोले नहीं लालू प्रसाद यादव। प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
जी बोलिए। बदला बदला सा अंदाज लालू का नजर आया, क्यों? बिल्कुल जाहिर है कि एक तो उनकी तबीयत खराब है, लेकिन 27 तारीख को उनके औपबंधिक जमानत का दिन खत्म हो गया था और तब तक उन पर रोक लगी हुई थी कि कोई भी वो राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, राजनीतिक बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन 27 तारीख के बाद जब वो जो बैरियर था वो खत्म हुआ तो वो जमकर बोले, चाहे वो नीतीश कुमार के बारे में बोले, चाहे अपने निर्दोष होने की बात बोले हों, या फिर नरेंद्र मोदी पर हमला किए हों, महागठबंधन बनाने की बात कह रहे हों, प्रधानमंत्री चुनने की बात कर रहे हों, तो राजनीतिक तौर पे वो काफी अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रहे थे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी तबीयत खराब है और साथ ही जेल जाने का जो गम होता है, जो दुख होता है, वो जाहिर है कि छलक कर सामने चेहरे पर आएगा। और वही हुआ है, क्योंकि अब वो एशियन अस्पताल जो यहाँ पर था वो नहीं था। हमारे साथ है जो वकील है, वो बताएंगे कि अदालत में क्या क्या हुआ और किन बातों पर सुनवाई हुई और इतना देर क्यों लगा। देखिए, जो पहले से जानते हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश था कि उनको 30 तारीख या 30 तारीख से पहले उनको सरेंडर करना है लोअर कोर्ट में, उसी के आलोक में आज उन्होंने लोअर कोर्ट में सरेंडर किया। चूंकि 3 मामला था इसलिए इतना समय लगा न्यायालय में। न्यायालय के द्वारा उनका जो मेडिकल ग्राउंड का जो भी आदेश था उच्च न्यायालय का, उसको भेज दिया गया है साथ में जेल अथॉरिटी को, और जेल अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दिया गया कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट रिम्स में उपलब्ध कराया जाए। और साथ में हम लोग एक और आवेदन किए थे कि इससे पहले जो लालू जी रिम्स में थे तो उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर उमेश प्रसाद के अंदर में सुपरविजन में चल रहा था, तो वो भली बात ही इनकी बीमारियों से और सारी चीज़ों से वाकिफ हैं, इसलिए दोबारा भी उनका ट्रीटमेंट उन्हीं के अंदर में रखा जाए। तो ये भी रिक्वेस्ट किया गया है, जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया गया है कि रिम्स से रिक्वेस्ट किया जाए कि उनका ट्रीटमेंट उमेश प्रसाद साहब के अंदर। सरेंडर सर्टिफिकेट क्या मिल पाया, क्योंकि 31 तारीख का समन है एक दूसरे मामले में? जी हाँ, ये दिल्ली पटियाला हाउस से एक समन है 31 तारीख का, तो उसके लिए हम लोगों ने सरेंडर सर्टिफिकेट मांगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को अपीयर होना था, तो वो हम लोगों को प्राप्त हो गया है, वो कल हम लोग वहाँ उस कोर्ट में जमा कर देंगे। चलिए, तो बड़ी जानकारी जो अदालत परिसर के बाहर से प्रकाश कुमार लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। और फिलहाल देखिए अपडेट ये कि लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने अदालत में जाकर सरेंडर किया, लालू प्रसाद यादव को कस्टडी में लिया गया और अब लालू प्रसाद यादव अदालत से ले जाए जा रहे हैं रांची की बिरसा मुंडा जेल। जेल जाएंगे लालू प्रसाद यादव, पहले वहां जाकर औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और उसके बाद जेल से लालू प्रसाद यादव को लेकर जाया जाएगा रांची के अस्पताल रिम्स में, रखा जाएगा लालू प्रसाद यादव को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।